नमस्कार दोस्तों, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। आज हम जा रहे हैं दलदली मैदान, जिसे जलजली तथा उछलती ज़मीन के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्यटन स्थल मैनपाट से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं जलजली मैदान और हमें यहाँ देना होगा प्रवेश शुल्क। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं जलजली मैदान। यहाँ बच्चों के खेलने तथा मनोरंजन का साधन भी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह जो आप देख रहे हैं वह जलजली मैदान है। यह चारों ओर से खूबसूरत जंगलों से घिरा हुआ है। दोस्तों, अगर आप यहां आकर इस ज़मीन पर कूदते हैं तो आपको यहां की ज़मीन हिलती हुई नज़र आती है, जो आपके लिए एक नया अनुभव होता है। यहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां जादू है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में यह एक दलदली क्षेत्र है, जहाँ पर पानी घास के नीचे बहता है। मृत घासों के बीच खाली जगह होता है, जहाँ पर पानी की उपस्थिति के कारण वैक्यूम बनाती है और आप यहाँ कूदते हैं तो ज़मीन हिलती है, जो आपको स्पंज के गद्दे का एहसास दिलाती है। तो चलिए दोस्तों, हम भी कूदें और इस हिलती हुई ज़मीन का आनंद उठाएं। तो दोस्तों, आपने देखा, हमने जलजली मैदान में बहुत ही एंजॉय किया। और इस अनोखी जलजली मैदान में एक और अनोखी जगह है, जहां ज़मीन पर छोटे छोटे छिद्र हैं, जैसा कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, जिस पर फूकने से ज़मीन से शंख जैसी आवाज़ें आती हैं। दोस्तों, आप यहां घुड़सवारी का आनंद भी ले सकते हैं। वीडियो पर बने रहिए दोस्तों, अभी आपको और भी मजा आने वाला है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।